प्रियंका चोपड़ा ने टाइम मैगजीन में ऋषि कपूर को दी श्रद्धांजलि, लिखा, रोमांस को समझना आसान बनाया। इस लेख में प्रियंका ने ऋषि की एक्टिंग स्टाइल, उनके ऑन स्क्रीन रोमांस और इसके भारतीय सिनेमा पर प्रभाव को लेकर बात की है। प्रियंका ने लिखा है कि वो खुशकिस्मत हैं कि ऋषि के साथ काम करने का मौका मिला। प्रियंका ने ऋषि के साथ अग्निपथ में काम किया था, जो ऋषि के करियर का सबसे चैलेंजिंग रोल कहा जा सकता है। इसमें ऋषि ने अपनी आम रोमांटिक छवि के खिलाफ एक निर्दयी और शातिर विलेन का रोल निभाया था। देवोलीना भट्टाचार्य ने लगाया अफवाहों पर विराम, कहा, मेरा कुक कोरोना पॉजिटिव नहीं है। देवोलीना ने कुक को कोरोना पॉजिटिव पर बात करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे कुक को कोरोना नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बात कहां से आई और आग की तरह फैल गई। सरकार ने उसे किसी होटल में कुछ दिन रखा था, उस पर नज़र रखी, इसी बात पर लोगों ने ये समझ लिया कि मेरे कुक को कोरोना हो गया है। इस बात ने मुझे और परेशान कर दिया और मैं अब ये सब सुन सुन कर थक चुकी हूँ। सलमान खान की फिल्म राधे को रिलीज़ होने में लगेगा समय, फिल्म का बहुत काम है बाकी। प्रभु देवा निर्देशित सलमान खान और दिशा पाटनी की फिल्म राधे इस ईद पर रिलीज़ होने वाली थी, मगर लॉकडाउन में काम बंद होने से फिल्म अभी पूरी नहीं हुई है। फिल्म के दो गाने और कुछ दृश्य अभी शूट होना बाकी हैं। इसके बाद डबिंग, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन का कुछ काम बाकी है। जाहिर है कि राधे को अभी काफ़ी वक्त लगेगा। लॉकडाउन अगर मई के दूसरे हाफ में खुल भी जाता है तब भी इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि शूटिंग आदि में सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। राधे अब दिवाली या अगले साल रिलीज ही हो सकती है। माधुरी ने डांस करते हुए बहन संग शेयर की थ्रोबैक फोटो, लोग हो गए कंफ्यूज। माधुरी ने अपने टीन एज की एक फ़ोटो शेयर की है जिसमें वे डांस प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं। फोटो में दो लड़कियां हैं जो हूबहू एक जैसी दिख रही हैं। फोटो में एक माधुरी है तो दूसरी उनकी बहन है, मगर इसमें से माधुरी कौन है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। माधुरी की ये फ़ोटो दर्शकों के लिए एक पहली बन गई है। माधुरी फोटो में क्लासिक डांस में एक पोज देती नजर आ रही हैं। अजय देवगन ने शेयर की काजोल संग फोटो, कहा, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन शुरू हुए 22 साल हो गए हों। काजोल संग अजय का ये फोटो 22 साल पुराना है। फोटो शेयर करते हुए अजय लिखते हैं कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन को शुरू हुए 22 साल हो गए हैं। बेटी की शादी की तैयारी में जुटी रवीना टंडन ने साझा की तस्वीर। साल 1995 में रवीना ने पूजा और छाया को गोद लिया था। पूजा उस वक्त 11 साल की थी और छाया 8 साल की। यूं तो रवीना की शादी 2004 में मशहूर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से हुई और इस शादी से उनके दो बच्चे हैं, रणवीर और राशा। लेकिन बतौर माँ रवीना अपनी दत्तक पुत्री छाया के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी भी वह खूबी निभा रही हैं। रवीना इस वक्त गोवा में अपनी बेटी छाया की शादी में व्यस्त हैं। ये शादी हिंदू और कैथोलिक रीति रिवाज से होगी। इस शादी में परिवार के करीबी लोग ही आमंत्रित हैं। रवीना ने इस शादी की रस्मों का एक फ़ोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाला और उसे शीर्षक दिया एंड हैप्पी मोमेंट। ऋषि कपूर की अधूरी फिल्म शर्मा जी नमकीन होगी पूरी, VFX का लेंगे सहारा। ऋषि कपूर अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले उनकी अंतिम और अधूरी रह गई फिल्म शर्मा जी नमकीन को अब अपने सिनेमाघरों में देख पाएंगे। ये कमाल करने की ठानी है फिल्म के निर्माताओं ने, जो ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि देने के लिए VFX का सहारा लेंगे और स्पेशल इफेक्ट की मदद से फिल्म की अधूरी शूटिंग को पूरा करेंगे। हम आपको बता दें कि शर्मा जी नमकीन में जूही चावला का भी लीड रोल है और फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग पूरी हो चुकी थी। इस फिल्म का निर्देशन हितेश भाटिया कर रहे हैं और हितेश का भी मानना है कि ये फिल्म उनके चाहने वालों के लिए अंतिम अलविदा कहने का एकमात्र मौका है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्सेल एंटरटेनमेंट और को प्रोड्यूसर हनी त्रेहान ने ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि देने और उनके फैंस को दोबारा खुशी देने के लिए इस फिल्म को पूरा करना का फैसला किया है। इरफान खान की याद में पीकू के 5 साल होने पर दीपिका पादुकोण ने लिखा संदेश। फिल्म पीकू की 5वीं सालगिरह से महज 9 दिन पहले ही इसके एक कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इंडस्ट्री के इस टैलेंट सितारे ने हर फिल्म में अपने अभिनय से लोगों की वाहवाही लूटी। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने फिल्म पीकू में अपने सह कलाकार रहे दिवंगत इरफान खान को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। पीकू 8 मई 2015 को रिलीज हुई थी और शुक्रवार को दीपिका ने फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक संदेश फेसबुक पर साझा किया। उन्होंने फिल्म की लेखिका जूहित चतुर्वेदी और निर्देशक सुजीत सिरकार को टैग करते हुए पीकू के गीत लम्हे गुजर गए को साझा किया। संदेश के अंत में उन्होंने लिखा, रेस्ट इन पीस
माय डियर फ्रेंड। काजोल के बच्चों ने नहीं देखी माँ की एक भी फिल्म, माँ ने बताया क्या है वजह। एक्ट्रेस काजोल ने अपने 18 साल के करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। उन्होंने हर बड़े सितारे के साथ काम किया है और खुद भी एक्टिंग की दुनिया में कई कीर्तिमान रचे हैं। लेकिन जिस एक्ट्रेस की पूरी दुनिया फैन है, खुद उनके बच्चे ही उनकी फिल्में देखना पसंद नहीं करते। जी हाँ, काजोल ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके बच्चे उनकी फिल्में देखना पसंद नहीं करते। मदर्स डे से पहले काजोल ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात की। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि उनके बच्चे उनकी फिल्में नहीं देखते हैं। वो कहती हैं, मेरे दोनों बच्चों को फिल्म देखने का शौक़ ज़रूर है, लेकिन वो मेरी फिल्में नहीं देखते हैं। पहला कारण तो ये है कि मैंने ज़्यादा फिल्में बनाई नहीं हैं, और दूसरा कारण ये है कि मैं फिल्मों में बहुत रोती हूँ। धर्मेंद्र ने खाना बनाने के लिए गैस की जगह किया लकड़ी के स्टोव का इस्तेमाल। धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक्टर खाना पकाने के लिए गैस की जगह लकड़ी के स्टोव का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र के इस स्टोव पर चाय बन रही है। हीमैन धर्मेंद्र ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, खाने की असली फ्लेवर के लिए मैं इन दोनों वुड स्टोव का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस पर बने खाने का अपना ही जायका है।